भारत के हवाई मारक क्षमता में जल्द इजाफा होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को सितंबर के मध्य तक बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल स्पाइस 2000 बम का एडवांस वर्जन मिलने जा रहा है। स्पाइस 2000 को बिल्डिंग ब्लास्टर के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष सूत्रों ने एएनआई को बताया कि स्पाइस 2000 बमों को सितंबर के मध्य में इसराइल से भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है। इसके साथ ही मार्क 84 युद्धक और बम भी भारतीय वायुसेना के हथियारों में शामिल होंगे, जो इमारतों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इसराइल से इन हथियारों की आपूर्ति उस समय होगी जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए भारत दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने इस साल जून में इसराइल के साथ 100 से ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दरअसल इसराइल के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर इसलिए किए गए थे क्योंकि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले में इन बमों ने तबाही मचाई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने इसे खरीदने की कवायद शुरू की। स्पाइस 2000 बम वायुसेना के मुख्य हथियारों और गोला बारूद आपूर्तिकर्ता में से एक है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया था। इस दौरान वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा को पार कर खैबर पख्तूनवा प्रांत में जैश के आतंकी ठिकानों पर स्पाइस 2000 बम गिराए थे। स्पाइस 2000 बमों ने जैश शिविर में कंक्रीट की छतों में छेद कर अंदर घुस गए थे। ये बम इमारतों को नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन 70 से 80 किलो विस्फोटक होने के कारण अंदर भारी तबाही मचाते हैं।